दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। बता दें कि आईपीएल 24 का मिनी ऑक्शन में अब बेहद ही कम समय बचा है। ऐसे में बता दें कि चेन्नई सुपर किंग को लेकर बेहद ही बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही है। बता दें कि 19 दिसंबर से शुरू होगा मिनी ऑक्शन 2024, जो कि यह मिनी ऑक्शन पहली बार दुबई में होगा। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग को लेकर बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या है वो पूरी खबर, इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों वहीं बात करें चेन्नई सुपर किंग के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के पास अभी 31.4 करोड़ रकम है जो मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों को। ऐसे में बता दें कि मिनी ऑक्शन पहली बार दुबई में होने वाला है। बता दें कि मिनी ऑक्शन 2024 आप 2:30 पर देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट और जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों वहीं बात करें चेन्नई सुपर किंग के बारे में, तो बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट जो कि दुबई पहुंच चुकी है, लगभग तैयारियां भी कंप्लीट कर चुकी है कि किस खिलाड़ी को टारगेट करने वाली हैं। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के लिस्ट में दो ऐसे गेंदबाजों का नाम सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों वहीं बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के पास हर डिपार्टमेंट में एक अनुभवी खिलाड़ी है। बता दें कि ओपनर हो, कॉनवे है, ऐसे में मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहा, लोअर ऑर्डर में शिवम दुबे है। ऐसे में गेंदबाजी लाइनअप में थोड़ा सा कमजोर दिख रही है चेन्नई सुपर किंग। नो डाउट इससे पहले आईपीएल 23 का ट्रॉफी उठा चुकी है चेन्नई सुपर किंग, लेकिन बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के पास एक अनुभवी तेज गेंदबाज होगा तो शायद उनको और भी फायदा हो सकता है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग ऐसा ही करने वाली है और मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है एक अनुभवी तेज गेंदबाज को। दोस्तों बता दें कि वह पहला गेंदबाज कौन है जिन्हें टारगेट करने वाली है चेन्नई सुपर किंग। बता दें कि वह गेंदबाज है शार्दुल ठाकुर। बता दें कि शार्दुल ठाकुर एक बेहद ही अनुभवी तेज गेंदबाज है। बता दें कि वह अभी टीम इंडिया से तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, उन्हें लॉर्ड ठाकुर के भी नाम से जाना जाता है। बता दें गेंदबाजी बेहद ही अच्छी है, अभी अच्छा लाइन में दिख रहे हैं। बता दें कि वह अंतिम में आकर बड़े हिट भी लगा सकते हैं शार्दुल ठाकुर। ऐसे में बता दें कि चेन्नई सुपर किंग से पहले भी खेल चुके हैं शार्दुल ठाकुर, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिलीज कर दिया है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग उन्हें टारगेट कर सकती है और बता दें कि उन्हें लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए दे सकती है मिनी ऑक्शन 2024 में। ऐसे में दूसरे के सबसे बड़े गेंदबाज की बात करते हैं दोस्तों, वह है कॉर्टजिए। बता दें कि कॉर्टजिए जो कि साउथ अफ्रीका के एक युवा तेज गेंदबाज है और बता दें कि वर्ल्ड कप में जिस तरह का प्रदर्शन किए हैं, ऐसे में 10 टीमें उनके पीछे जाने वाली हैं। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग मिचेल स्टार्क को टारगेट करने वाली है, लेकिन अगर मिचेल स्टार्क चेन्नई सुपर किंग में शामिल नहीं होते हैं तो चेन्नई सुपर किंग 100% कॉर्टजिए को शामिल करना चाहेगी, चाहे उसे कितना भी रकम लगाना पड़े। ऐसे में बता दें कि कॉर्टजिए को शामिल कर सकती है चेन्नई सुपर किंग। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन दोनों गेंदबाजों में से कौन से गेंदबाज शामिल होगा चेन्नई सुपर किंग में? अगर शामिल होगा तो चेन्नई सुपर किंग का कैसा रहेगा प्रदर्शन, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।